खबर जनपद भदोही से रिपोर्टर जावेद अली की रिपोर्ट। भदोही के अभोली बाजार में ब्राह्मण समाज को गाली देने वाले जीतन राम मांझी का पुतला फूंका गया। एडवोकेट आशुतोष तिवारी का कहना है कि ब्राह्मणों पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और साथ ही साथ जिस प्रकार हिंदू धर्म को और भगवान राम को भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो माफी लायक नहीं है और कहा कि योगी सरकार से अनुरोध है इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। इस मौके पर एडवोकेट आशुतोष तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट रत्नेश दुबे, जिला अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी भारत 392 विधानसभा भदोही प्रत्याशी शशांक मिश्रा, अजीत यादव पप्पी, अजय यादव, अभिषेक उपाध्याय आदि लोग रहे। ब्राह्मणों के ऊपर जो इन्होंने असंवैधानिक अवैध टिप्पणी किया है, हम भदोही के प्रशासन से और साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म भगवान श्री राम के ऊपर असभ्य टिप्पणी करने के लिए हम लोग यहाँ पे उनका पुतला फूंक रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी जो कि उनके साथ गठबंधन सरकार चला रही है बिहार में, ऐसे लोगों को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि हम लोग बिहार के जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी हिंदू जनमानस हैं, बिहार की भी सरकार पलटने की क्षमता रखते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने जा रहे हैं और इसके लिए हम लोग जीतन मांझी जो कि दो कौड़ी का इंसान, इसका चप्पल से स्वागत करके जूतों का माला पहना के इसका पुतला फूंक रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। साथ ही साथ जिले के जितने ब्राह्मण हैं सभी की तरफ से जीतन मांझी को ये हम लोग सजा के रूप में इनका पुतला फूंक रहे हैं और सभी जनमानस से कहते हैं कि आप जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, इसका विरोध करें। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।